सो हेलो गाइस, सॉलेंट सीरीज के एपिसोड 212 का ट्रेलर आ चुका है। सो मेरा नाम है सैम और इस वीडियो के जरिए हम एपिसोड 212 के ट्रेलर को हिंदी में एक्सप्लेन करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि हमें इस एपिसोड में क्या क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब जैसे ही ट्रेलर स्टार्ट होता है तो हमें बीबी डोंग को दिखाया जाता है, जिसकी बॉडी सीगॉट के लास्ट अटैक वन गोज विदाउट रिटर्न से डिस्ट्रॉय हो गई थी। और क्योंकि बीबी डोंग ने अटैक से पहले अपने फर्स्ट मार्शल सोल के 9 सोल स्किल अनडाइंग बॉडी का इस्तेमाल कर लिया था, इसी वजह से अब उसकी बॉडी दोबारा से जुड़ गई थी। इसके बाद जैसे ही बीबी डोंग की सेंस वापस आती है तो उसे पता चल जाता है कि तांगसेंग उसके शिकार यानी कि दामिंग और अर्मिंग को लेकर गायब हो चुका है। इसी वजह से अब बीबी डोंग गुस्से से कहती है कि तांगसेंग, जो कुछ मैं पाना चाहती थी वो सब तुमने मुझसे लूट लिया है। ऐसा कहकर शायद बीबी डोंग अपने डेमन स्पाइडर्स को वापस से उनका पीछा करने और उनके लोकेशन का पता लगाने के लिए भेज देती है। इसके बाद हमें शावू को दिखाया जाता है, जो कि अभी भी दामिंग और अर्मिंग को अपनी पावर से धक्का लगाकर उन्हें बचाने के लिए किसी सेफ जगह पर ले जा रही थी। ऐसा करने में शावू ने बहुत ज़्यादा सोल पावर खर्च कर दिया था, जिस वजह से वो बहुत ही ज़्यादा घायल भी हो गई थी। पर अब जैसे ही शावू को ये महसूस होता है कि बीबी डोंग के डेमन स्पाइडर्स अभी भी उनका पीछा कर रहे हैं, तो शावू अपनी बाकी बची सोल पावर का इस्तेमाल करके दामिंग और अर्मिंग को कवर देने के लिए एक शील्ड बना देती है और फिर दामिंग और अर्मिंग से कहती है कि मैं कसम खाती हूँ कि मैं तुम दोनों को कभी भी पीछे नहीं छोड़ूंगी और मैं तुम्हें खुद से दूर भी नहीं जाने दूंगी। ऐसा कहकर अब शावू घायल होकर गिर जाती है। इसके बाद हमें तांगसेंग को दिखाया जाता है, जो कि फाइनली शावू और दामिंग अर्मिंग के पास पहुंच जाता है और फिर उन्हें कहता है कि हमें यहाँ से निकलना होगा, क्योंकि बीबी डोंग और उसके बाकी ग्रैंड सोलन मास्टर कभी भी हम तक पहुँच सकते हैं। लेकिन क्योंकि दामिंग और अर्मिंग बहुत ही ज़्यादा घायल थे और वे ज़्यादा देर तक जिंदा भी नहीं रह सकते थे, इसलिए अब दामिंग अर्मिंग से कहता है कि तांगसेंग, हमारी जीवन शक्ति खत्म हो गई है और बीबी डोंग के जहर से हम कुछ ही पलों में मर जाएंगे, लेकिन मरने से पहले हम चाहते हैं कि तुम हमारी एक आखिरी ख्वाहिश पूरी करो। हमें उम्मीद है कि तुम हमें उस ख्वाहिश को हासिल करने में हमारी मदद कर सकते हो। वास्तव में दामिंग और अर्मिंग की ये आखिरी ख्वाहिश शावू के रिजरेक्शन को देखना था। दामिंग और अर्मिंग पूरे दिल से शावू को पुनर्जीवित देखना चाहते थे, पर जब तांगसेंग उन्हें बताता होगा कि वो अभी भी एक ग्रैंड सोलन मास्टर नहीं बना है और वो फिलहाल के लिए शावू को पुनर्जीवित नहीं कर पाएगा, तो दामिंग और अर्मिंग खुद को सैक्रिफाइस करके उसे ग्रैंड सोलन मास्टर बनाने के लिए बाकी बचे लेवल को कंप्लीट करने का ऑफर देते हैं। अब अगले ही सीन में हमें तांगसेंग के हाथों में स्काई ब्लू और रेड कलर की क्रिस्टल दिखाई जाती है। शायद तांगसेंग दामिंग और अर्मिंग के सैक्रिफाइस को रिजेक्ट कर देता है और बिना ग्रैंड सोलन मास्टर के पावर के शावू को पुनर्जीवित करने की कोशिश करने लगता है, जिसे देखकर शायद दामिंग और अर्मिंग बहुत ज़्यादा भावुक हो जाते हैं। और अब अगले ही सीन में हमें दामिंग और अर्मिंग को सैक्रिफाइस करते हुए दिखाया जाता है, जिसमें सबसे पहले दामिंग खुद को सैक्रिफाइस करता है और मरने से पहले वो तांगसेंग को हमेशा शावू से प्यार करते रहने का वेल विशेस देता है। दामिंग के बाद अर्मिंग सैक्रिफाइस करता है और वो शावू और तांगसेंग को हमेशा खुशहाल रहने का विशेस देता है। इसके बाद दामिंग और अर्मिंग दोनों मिलकर एक साथ तांगसेंग को सोल पावर ट्रांसफर करते हैं और इसमें जो एनर्जी वेव्स क्रिएट होता है वो बहुत ही विशाल होता है। दामिंग और अर्मिंग का एनर्जी तांगसेंग की बॉडी में एक साथ पास होता है। ये एनर्जी लेयर्स बहुत ही ज़्यादा पावरफुल थे, जिसे एब्जॉर्ब करने के लिए तांगसेंग का हेवनली स्किल एक्टिवेट होकर उसके चारों ओर घूमने लगता है और तांगसेंग का सीगॉट लाइट भी इस एनर्जी ट्रांसफर को सेफ बनाने के लिए तांगसेंग को प्रोटेक्ट करने लगता है और फिर यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो गाइस, वैसे तो मैंने ये एक्सप्लेनेशन ट्रेलर के फुटेज के बेसिक पे बनाया है, लेकिन अगर आप इसे नोवेल के जरिए डिटेल में जानना चाहते हैं
तो फिर मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। पर फिलहाल के लिए अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो करना बनता है, और अगर आप एक नए एनआईएम लवर हैं तो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस लाता रहता हूँ। अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड डे।